हमरा बुझाता बबुआ जियम होई है, ओह से उपरा अरडियम होई है हो। कि हमरा बुझाता बबुआ जियम होई है, ओह से उपरा अरडियम होई है हो। कि नाना हिंद के सितारा बबुआ सियम होई है, ओह से उपरा पियम होई है हो। कि नाना हिंद के सितारा बबुआ सियम होई है, ओह से उपरा पियम होई है हो। अब देखिए, ये वही सिंगर हैं जिनको पता नहीं कितने लोग देखना चाहते होंगे, सुनना चाहते होंगे। वो गाना, वायरल गाना जिसको पूरे इंडिया ने सुना, यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री भी इसे गुनगुना रहे थे कि बउआ जीएम होई है, डीएम होई है, नाना पीएम होई है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे इस हजारीबाग की हैं, आपको नहीं पता होगा, ये शानदार सिंगर हैं। आपको बता दें, वो गाना पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा था और सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला गाना था और बहुत लंबे समय तक। एक बार अपना परिचय दे दीजिए लोगों को, आप अपने से ही बताइए। जी, नमस्ते प्रणाम। मैं भोजपुरी लोक गायिका मनीता श्री और दैनिक खबर को जितने भी लोग देखने वाले, सुनने वाले श्रोतागण हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये गाना इस तरीके से वायरल हुआ है कि हर घर में ये गाना चला गया। जी जी, हर के जुहा पे चला गया, पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े एक्टर से लेकर हर कोई इस पे बनाने लगा, गाना रील्स बनाने लगा। जी बिल्कुल। और बच्चे तो बहुत ही ज्यादा इस गाने पे रील्स बनाए हैं, और हमारे भोजपुरी के, हिंदी के भी कुछ कुछ एक्टर, एक्ट्रेस, गायक, गायिका, जितने भी लोग, बहुत सारे कलाकारों ने इस गाने, इस पे बहुत ज्यादा रील बनाया इस गाने पर। और खुद हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर बाबा धाम, वो गाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उनको बहुत ही ज्यादा उनको मानती हूँ। भाई अब क्या बोला जाए, वो गाने की हम बात कर रहे हैं जिस गाने को पूरे भारत में गुनगुनाया है। हम फिर से वो गाने पर आएंगे, हम चाहेंगे कि एक बार और कम से कम वो चीज को हम फिर से लेकर आ जाएं जिसको लेकर पूरा भारत दीवाना था, हर कोई दीवाना था। धीरेन्द्र शास्त्री, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, यहाँ तक हमको लगता है कि तेजस्वी यादव, ये जो जो बड़े बड़े नेता है, कहीं वो भी, तेज प्रताप माफ करिएगा, वो भी शायद रील्स वगैरह उसमें भी बन रहा था। जी जी, जब हमारे तेजस्वी यादव जी का बच्चा हुआ था। अच्छा, वहाँ पे जी, हाँ। तो उसमें मैंने रील्स देखा था कि वो उसमें आया हुआ था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अपने आप में लगा कि बहुत सालों से जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका थोड़ा सा फल मिला है, तो बहुत अच्छा लगा। ये कब से सिंगिंग है, थोड़ा और बताइए, दर्शकों को बताइए। भाई गुमनामी में कोई ऐसा सिंगर है जिसके बारे में लोग जानना चाहते होंगे, भैया सिंगर कौन है। हम भी जब गाना सुने थे, यकीन मानिए, हम भी सुने थे तो हम भी ढूंढ रहे थे, और पता चला कि ये तो हजारीबाग के ही हैं, यहीं की हैं, और ये पता ही नहीं चला। आज जब हम इनसे मिले हैं तब पता चला कि भैया गाना इन्होंने ही गाया है। हमने वो गाना आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं सुनाया कि कॉपीराइट में हो सकता आ जाएगा। आप जाके फिर से यूट्यूब पर आप जाइए और फिर देखिए, ये वही सिंगर हैं, बड़का गांव के रहने वाले। थोड़ा अपनी पृष्ठभूमि बताइए, थोड़ा घर बताइए, और संघर्ष बताइए कैसे जिंदगी चल रही है और आगे गाना कैसे गा रही है। जी बिल्कुल, मैं शुरुआत से बताना चाहूंगी, मैं जब छोटी थी तभी से मैं गाने का शौक रहा है मेरा, और स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह मैं कॉम्पिटिशन में भाग लिया करती थी, और हर जगह जीत ही मिला है मुझे। बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं पीछे के दिनों को याद करती हूँ, और बहुत ही संघर्षमय भी रहा है मेरा बैकग्राउंड। कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे शुरुआत से, और लेकिन ये मुझे खुशी होती है कि मेरे मम्मी और मेरे पापा मुझे हमेशा से सपोर्ट किए हैं, और उनके द्वारा आज मैं जो कुछ भी हूँ तो मेरे मम्मी और पापा का सपोर्ट है, और भगवान का भी मेरा बहुत ही ज़्यादा, उनका भी सपोर्ट, उनका भी आशीर्वाद है कि आज मैं इस जगह पे हूँ। आज झारखंड में तमाम जितने भी हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं, सिंगर हैं, छोटे बड़े सभी के, झारखंड के हो या बिहार के, पटना के, यूपी के, सभी के, सभी का मैं गाना गाने का मुझे मौका मिलता है, और सभी का बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता है। एक जो दिल के करीब आपके गाना है, वो खुद से गुनगुना दीजिए ताकि दर्शक को और भी पता चलेगा। जो वायरल गर्ल आप भी बोल सकते हैं, जो शायद नहीं हो पाई, गाना इनका बहुत वायरल हुआ, लेकिन इनको शायद जितनी इस बात होनी चाहिए थी वो बात ज्यादा नहीं हो पाई। आपको लगता है कि जिसके बारे में बात होनी चाहिए थी थोड़ा बात कम हुई, कि भाई गाना किसने गाया, लोगों ने कोशिश नहीं किया? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये गाना बहुत ही पुराना है और बहुत से लोगों ने इस गाने को गाया है, लेकिन भगवान का ये मेरे ऊपर कृपा है कि
ये गाना जब मैंने गाया तो तुरंत नहीं, कुछ महीनों के बाद ये गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ यूट्यूब पे। काफ़ी मिलियन इसका व्यू भी आप लोग देख सकते हैं, दो दो बार ये गाना चढ़ा यूट्यूब पे और दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। माँ सरस्वती विराज कर गई उस वक्त। और इंस्टाग्राम में रील्स के माध्यम से इतना प्यार मिला, मिलियनों में रील्स, मिलियन प्लस रील्स इस गाने पे बने, बहुत प्यार मिला इस गाने को। और लगभग एक से डेढ़ दो सप्ताह तक ये गाना पूरा ट्रेंड किया रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक बार जो दिल के करीब आपके गाना है वो एक बार गाना दर्शकों को सुना दीजिए। ये आपकी अमानत है, आप एक बार गाना जो भी दिल से गाना चाहती हैं लोगों को सुना दीजिए, जो आपको बहुत करीब है आपके। जी जी बिल्कुल। और मैं क्योंकि भोजपुरी से हूँ और भोजपुरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और हमारे पवन सिंह जो भोजपुरी के बहुत ही होनहार सिंगर हैं, मैं उनका दो लाइन उन्हीं का गाया हुआ गाना आप सबको सुनाना चाहूँगी। अखिया की राहें तस्वीर तो है, अखिया की राहें तस्वीर तो है, दिल में उतारत रही रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही है, मन करे निहारत रही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, आज झारखंड की लड़की को अब जरूरत है वायरल करने की, पॉपुलर करने की। अब जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे, हम उस गाने पर फिर से आएंगे। हमारा भी दिल नहीं मान रहा है कि भैया एक बार में कैसे छोड़ दे वो गाना जिसको हजारों बार लोगों ने सुना। झारखंड की है, हजारीबाग की है, और हजारीबाग के बड़का गाँव की। स्ट्रगल अभी भी स्ट्रगल, प्रयास कर रहे हैं लगातार, बस भगवान के ऊपर विश्वास है कि एक न एक दिन हम लोग जरूर सफल होंगे। और स्ट्रगल तो बहुत ही ज़्यादा रहा है, गर्मी धूप बरसात हम लोग सब झेले हैं, और कार्यक्रम भी हम लोग हर रोज़ कार्यक्रम रहता है, और चाहे जैसा भी स्थिति हो हम लोग पहुँचते हैं जगह पे, स्पोर्ट पे, और वहाँ पे भी ढेर सारे पब्लिक का प्यार पाते हैं और अच्छा शानदार कार्यक्रम होता है, बहुत प्यार मिलता है। कितना गाना गा चुकी हैं आज तक? भोजपुरी और कोटा में भी गाती हैं आप? जी 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 बिल्कुल। हमारे झारखंड के जाने माने गायक हमारे संतोष दुलारा जी हैं, हमारे खोटा कॉमेडी कलाकार हमारे दिलीप वर्मा जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी आशीष यादव जी जो हमारे जमुई के हैं सर, और वो भी हैं, और भी बहुत सारे जो नामी नामी हैं, मतलब सभी के साथ मेरा डुएट आप सबको देखने को मिलेगा। आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और खोटा तो मैं गाती हूँ, भोजपुरी में दो लाइन खोटा का भी सुना। अच्छा, यहाँ के लोग मतलब वो भी इंतजार कर रहे होंगे भाई खोटा भोजपुरी गा रही है तो खोटा भी सुना दीजिए करिए आप। जी जी, एक मेरा संतोष दुलारा जी के साथ एक गाना आया था और वो गाना भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। गाना कुछ ऐसे था, हाँ थे मोबाइल कंधे बैग छोड़ा सुने दे, पढ़े जही कब न कहले, अरे हाँ थे मोबाइल कंधे बैग छोड़ा सुने दे, पढ़े जाही कब न कॉलेज, अरे पढ़े जाही कब न कॉलेज छोड़ा सुने रे, पढ़े जाही कब न कॉलेज। तो फिर मेरा लाइन आता है कि हाँ हाथे मोबाइल कंधे बैग छोड़ा सुने रे, जी नहीं सॉरी, संतोष भैया का लाइन आता है कि हाँ हाथे मोबाइल कंधे बैग छोड़ी सुने गे, पढ़े जाही कब न कॉलेज, अरे हाँ हाथे मोबाइल कंधे बैग छोड़ी सुनेगे, पढ़े जाही कब न कॉलेज। तो फिर मेरा जवाब आता है कि हाँ हाथे मोबाइल कंधे बैग छोड़ा सुने रे, पढ़े जाहूँ जे जे कॉलेज, अरे हाँ हाथे मोबाइल कंधे बैग छोड़ा सुने रे, पढ़े जाहूँ जे जे कॉलेज। बहुत खूब, बहुत खूब। आपको एक और हम बात बताना चाहेंगे तमाम दर्शकों को, झारखंड की लड़की, और बार बार हम कह रहे हैं कि भैया इनको पॉपुलर करिए, वायरल करिए, पवन सिंह के साथ भी आप गाना गाने वाले हैं। जी जी, बताइए खुद बताइए आप। जी, पवन भैया से मैं मिली कुछ दिनों पहले, और पवन भैया से मेरी बात सामने से हुई है, और पवन भैया बहुत जल्द बोले हैं कि आपको जरूर मौका मिलेगा, बहुत ही अच्छे गायक हैं आप, बहुत अच्छा लगा, और वो मेरा गाया हुआ सुने भी
उनको बहुत ही अच्छा लगा और बोले हैं कि बहुत जल्द आपको मौका देंगे। हो सकता है कि बोलबम का ही कुछ सॉन्ग आप सबों को सुनने को मिले बहुत जल्द, या तो लोकगीत से डायरेक्ट हम लोग शुरुआत करेंगे। सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का महीना है, तो एक वो भी गाना आप सुना ही दीजिए। लोग इंतजार कर रहे होंगे सावन में जो महीना है कैसे बाबा भोलेनाथ को आप याद कर रही हैं, कैसे उनके लिए गाना बना रही हैं। जी जी, और वैसे तो सावन का ढेर सारा गाना हम लोग कर रहे हैं, और सावन का गाना अभी तो नया है तो उतना अच्छे से याद नहीं है। पुराना कोई भी हो। जी जी जी, आप लोग तो सिंगर इम्प्रोवाइज कर सकती हैं, कहीं से भी कुछ भी गा दीजिए जो भी देखिए लाइव चल रहा है ना, अचानक याद नहीं आता वो भी प्रेशर होता है, अचानक हम कुछ भी डिमांड कर दे रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा गा रही है ना, तो हम कुछ भी बोल दे रहे हैं क्योंकि हमारी भी जिज्ञासा है कि झारखंड की लड़की है तो इनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। भैया वो गाना जो भारत का सबसे पॉपुलर गाना है इन्होंने ही गाया था एक टाइम के लिए, 10-15 दिन तक तो हमको लगता ट्रेंड कर रहा था। जी जी बिल्कुल, और एक झारखंड में ही बहुत ही पॉपुलर गाना है सावन का ही है जो खोटा सॉन्ग है। चलिए बहुत अच्छा जी, लेकिन हमारी बहुत ही बड़का गांव एरिया की बहुत ही अच्छी गायिका वो गाई थी। अरे चले जी बसैया हो, अरे बड़का गांव बजरिया, क्योंकि मैं खुद बड़का गांव से हूँ तो मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। अरे चले जी बसैया हो, अरे बड़का गांव बजरिया, तो हमरा के नदी हो, हमरा के नदी हो, घुंघुर लागल कांवरिया के नदी हो, घुंघुर लागल कांवरिया के नदी हो। चले जी बैधनिया हो, अरे बड़का गो बजरिया, चले जी बैधनिया हो, अरे बड़का गो बजरिया, ता तोरा केन देबो, तोरा केन देबो, घुंघुर लागल कांवरिया केन देबो, घुंघुर लागल कांवरिया केन देबो। भैया आप ही प्रतिक्रिया दीजिएगा, आप ही बताइएगा कि कैसा गा रही हैं, और अंत में हम बहुत सारी बातें हैं, इनका सूट भी चल रहा है, बहुत ज्यादा बात हम नहीं कर पाएंगे, लोग इंतजार भी कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि अंत में वही गाना जिसको सबने सुना है, करोड़ों लोगों ने सुना है और रील्स बनाया, हमने भी बनाया है क्योंकि हमें खुद इतना अच्छा लगा कि हम भी अपने बच्चे के साथ उस रील्स को बना रहे थे, एक बार वो फिर से आप गुनगुना दीजिए। लोग इंतजार कर रहे होंगे, जो स्टार्टिंग में नहीं जुड़ पाए होंगे अभी जुड़े होंगे वो शायद अभी सुनेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा किस गाने की बात कर रहे हैं। जी दो लाइन ज्यादा ही सुना, दो लाइन ज्यादा ही सुना दीजिएगा उसको। जी जी बिल्कुल, अच्छा लगता है जब लोग डिमांड करते हैं, और आइए मैं आप सबको फिर से दो लाइन सुनाना चाहूंगी। हमरा बुझाता बबुआ जी हम होई है कि वो से ऊपरा अरे डीएम होई है हो, कि हमरा बुझाता बबुआ जी एम होई है कि वो से ऊपरा अरे डीएम होई है हो, कि नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है अरे वो से ऊपरा पीएम होई है हो, कि नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है कि वो से ऊपरा पीएम होई है हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम श्रोतागणों को, जितने भी लोग दैनिक खबर को देखने वाले सुनने वाले हैं, सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब आपकी बारी है दिल से सपोर्ट करने की, हमने तो उनको ढूंढ कर निकाल लिया, झारखंड की लड़की है, वायरल बनाना आपका काम है, पूरे 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 देश में अगर कहीं और दूसरी जगह से गाती तो पता नहीं है कहाँ भी होती, झारखंड की लड़की है तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि सपोर्ट जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, लगता थोड़ा तकलीफ होता है कि जो गाना इतना वायरल हुआ आपको भी थोड़ा लोगों के बीच में दिखना चाहिए। जी बिल्कुल, वैसे तो मैं वीडियो में नहीं आई क्योंकि मैं गाने का काम करती हूँ और बहुत सारे गानों में मैं लिपसिंग भी देती हूँ, और एक मेरा चैनल है डक म्यूजिक जो मेरा खुद का चैनल है, आप लोग जितने भी लोग हैं आप सबों से आग्रह होगा कि ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें आप लोग, और शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार दें। इस चैनल पे मेरा ढेर सारा भक्ति गीत, लोक गीत और ढेर सारा स्टेज शो का भी आप सबको वीडियो देखने को मिलेगा, लगातार आते रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। देखिए उसी गाने के साथ हम कहेंगे कि आप भी जीएम बनिए, डीएम बनिए, सीएम बनिए, और कम से कम इनके गाने को
जो आपने सुना है, जब हमने ढूंढ कर निकाला है, तो शेयर एक जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और पता चले कि ये झारखंड की लड़की थी, झारखंड की बेटी थी, हजारीबाग की बेटी थी, बड़का गांव के जैसे सुदूरवर्ती इलाके से आई है, ग्रामीण क्षेत्र से आई है और इस तरीके का गाना गाकर पूरे भारत में शायद ये पर्दे के पीछे रह गई। अब वक्त आ गया है कि इनको दिखाइए, इनको बताइए, लोगों तक ले जाइए। यही गुजारिश होगी। मैं कुणाल सिंह, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे।